हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना क्विज़ गेम। वंदना क्विज़ गेम में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको गणित के तीन सवाल बताने वाली हूँ जो मैथ के महारथी ही हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है वो सवाल। क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर वन है, आप एक दुकान में गए हो, वहां से आपको एक बर्गर खरीदना है, एक आइसक्रीम खरीदना और एक कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है। तो दुकानदार ने कहा, चलिए देखते हैं क्या कहा। तीन कोल्ड ड्रिंक 30 रुपए के हैं, एक कोल्ड ड्रिंक और दो बर्गर 20 रुपए के हैं, एक बर्गर और दो आइसक्रीम 9 रुपीज के हैं। तो एक बर्गर, एक आइसक्रीम और एक कोल्ड ड्रिंक का दाम कितना होगा? एनी आइडिया? गेस कर लीजिए आप फ्रेंड्स। अब आपको बताना है कि अब आप एक बर्गर, एक आइसक्रीम और एक कोल्ड ड्रिंक के लिए कितने रुपए देंगे। दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए इस पहेली को। 10 सेकंड मिले हैं दोस्तों। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तीन कोल्ड ड्रिंक के दाम 30 रुपए है, एक कोल्ड ड्रिंक, दो बर्गर के दाम जब 20 रुपए हैं, एक बर्गर और दो आइसक्रीम के दाम जो है 9 रुपए हैं। तो एक बर्गर, एक आइसक्रीम और एक कोल्ड ड्रिंक के दाम कितने होंगे? जी हाँ फ्रेंड, जब तीन कोल्ड ड्रिंक के दाम 30 रुपए है तो एक कोल्ड ड्रिंक का दाम हो गया 10 रुपए। और अब एक कोल्ड ड्रिंक के दाम 10 रुपए है तो दो बर्गर के दाम हो गए 10 रुपए, यानी एक बर्गर का दाम हो गया 5 रुपए। अब एक बर्गर और एक आइसक्रीम के दाम कितने होंगे? जब एक बर्गर के दाम 5 रुपए हैं तो दो आइसक्रीम के दाम कितने होंगे? जाहिर सी बात है 4 रुपए होंगे। 9 में से 5 रुपए कम कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे 2 रुपए। तो अभी इस तरह से हम करेंगे, एक बर्गर के दाम हो गए 5 रुपए, एक आइसक्रीम के दाम हो गए 2 रुपए और एक कोल्ड ड्रिंक के दाम हो गए 10 रुपए। तो टोटल दाम कितने रुपीस देने होंगे? 17 रुपीस दुकानदार को। इस तरह से अपने पजल्स को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके लिए? मेरे पास 50 रुपए हैं, अब वह मैंने दिन भर में खर्च कर दिए, लेकिन जब मैं हिसाब करती हूँ तो वह 1 रुपए कम ज्यादा कैसे होता है? आज का सवाल यही है आपके लिए। कोई आइडिया? 1 रुपए इधर से उधर कैसे होता है? आज यही पजल सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मैंने एक खर्च की हुई रकम लिख लिया है, 20, 15, 9 रुपए, 6 रुपए, टोटल हो गए 50 रुपए जो खर्च की हुई रकम है। इसी प्रकार बची हुई रकम भी मैंने लिख ली है, 30 रुपए, 15 रुपए, 6 रुपए और 0 रुपीज, टोटल करेंगे तो 51 रुपीज। इस तरह से फ्रेंड्स 20 रुपए खर्च किए गए हैं तो 30 रुपए बचाए गए हैं। फ्रेंड्स अब अपना दिमाग लगाइए और इस पजल को सॉल्व करिए, क्यों 1 रुपए इधर का उधर हो रहा है? 10 सेकंड मिले हैं सोचने के लिए दोस्तों। चलिए मैं भी बता देती हूँ, अगर मैं 20 रुपए खर्च करती हूँ तो बचती है मेरे पास 30 रुपए 50 रुपए में से। अब मैं 15 रुपए खर्च करती हूँ तो मेरे पास 30 में से बचते हैं 15 रुपए। अब मैं 15 रुपए में से 9 रुपए खर्च करती हूँ तो बचते कितने हैं मेरे पास? 6 रुपए। 6 रुपए अगर बचते हैं तो मैं खर्च कितना करूंगी? 0, क्योंकि टोटल वैल्यू तो मेरी 50 रुपए की है, तो वो मेरी पूरी खर्च हो गई है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस तरह से 4 टाइम तो खर्च की गई रकम और 3 टाइम्स बची हुई रकम,
फ्रेंड्स इस तरह से पजल को सॉल्व करेंगे, आया नहीं 1 रुपए का इधर का उधर हिसाब किताब। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, 9 को सिर्फ 4 बार लेकर ऐसा समीकरण बनाना है जिसका जवाब 100 ही आना चाहिए। दोस्तों आप इसमें गणित के कोई भी सिंबल्स यूज कर सकते हैं, लाइक प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी, और इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनी आइडियाज फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मैं ही बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 10 सेकंड मिले हैं दोस्तों सोचने के लिए। नौ को अब 4 बार लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? जैसे मैं लिखती हूँ 99 + 9/9, तो इस तरह से 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 99 + 1 = 100। इट्स टू इजी क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कमेंट्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।